हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में डीपली कैसे स्टडी किया जाता है, उसके फंडामेंटल्स को, उसके बिजनेस को, और फिर डिसाइड किया जाता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि इन्वेस्ट करना है तो क्या राइट प्राइस होगा जहां पर हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही आज हम एक और कंपनी के साथ आए हैं, और जिस कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बियरिंग बनाने में इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। और मैंने क्यों चुना ये बियरिंग बनाने वाली कंपनी को, इसके पीछे कारण बहुत है। आप देखिए कि रशिया ने यूरोप का गैस का सप्लाई बंद कर दिया, तो वहां पर सारे प्लांट्स जो गैस की मदद से चलते थे या चलते हैं उनको दिक्कत आएगी। और यूरोप में अगर मैं जर्मनी का बात करूं तो वहां पर गाड़ियों का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, तो अब क्या होगा वहां पर जब प्रोडक्शन का दिक्कत आएगा ना, तो वहां चांसेस बहुत बनते हैं कि वो सारे प्रोडक्शन इंडिया में या चाइना में या थाईलैंड में, इस तरह की कंट्री में डाइवर्ट होंगे। तो इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर जहां पर ऑटो का प्रोडक्शन आगे चल के बढ़ सकता है। तो जितना ज्यादा ऑटो के प्रोडक्शन बढ़ेंगे उतना ज्यादा बियरिंग्स का डिमांड आएगा। दूसरा बियरिंग्स का डिमांड कहाँ आता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डिमांड आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, तो उतना ही हम लोग का केपेक्स आएगा, केपेक्स आएगा, नए प्लांट एंड मशीनरी यूटिलाइज होंगे, तो वहां भी बियरिंग्स का डिमांड आएगा। तो ये सब चीज को देख के लगता है ऐसा कि बियरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। तो हम लोग को इससे पहले कि मार्केट उस चीज को पकड़ ले, बहुत जरूरी है कि हम आने वाले जो डेवलपमेंट है उसको पहले ही एनालाइज करके उसका बेनिफिट उठाने का कोशिश करें। तो आइए देखते हैं, फंडामेंटल्स पहले समझते हैं एनआरबी बियरिंग्स का, और उसके बाद हम लोग चलेंगे और बिजनेस को डीपली स्टडी करेंगे एज यूजुअल। तो फंडामेंटल्स अगर मैं देखूं तो इसका मार्केट कैप 1600 करोड़ है, तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। करेंटली 172 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर 190 गया था, तो 190 के बाद अभी तक इसमें कोई बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया है। तो अगर कोई कंपनी मार्केट में करेक्शन के साथ करेक्ट नहीं होती है तो ये एक गुड साइन है कि इतना मार्केट में करेक्शन के बाद भी इसमें करेक्शन नहीं है, यानी दीज कंपनीज आर हैविंग गुड फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट और इन्वायरमेंट जो है, जो इकोनॉमी है, जो इस इंडस्ट्री का जो इकोनॉमी है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोग का आगे चल के बेनिफिट होना चाहिए। करेंटली 20 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन हाई है। बुक वैल्यू भी 60-61 रुपया का है, तो प्राइस टू बुक इज हाई, 2.83 का प्राइस टू बुक पे काम कर रही है कंपनी। तो वैल्यूएशन आप देखिए, आप अभी देखेंगे अभी के फंडामेंटल्स के हिसाब से थोड़ा लगेगा कि ये वैल्यूएशन हाई है, बट हम लोग को इसमें प्रेजेंट नहीं देखना है, हम लोग को इसमें फ्यूचर देखना है कि कितना ऑटो का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ सकता है, और जितना ऑटो प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ेगा बियरिंग्स का डिमांड उतना बढ़ेगा, तो आगे चल के इसमें क्या हो सकता है, दैट इज समथिंग वी नीड टू बी विजनरी। हम लोग को विजनरी होना पड़ेगा और आज से 1 साल बाद 1.5 साल बाद का सोचना होगा कि इस इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो प्राइस टू अर्निंग्स हम लोगों ने बोला, सेल्स ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का टॉप लाइन है, ऑपरेटिंग मार्जिन 16-16.5% का ऑपरेटिंग मार्जिन करती है कंपनी। अब यहां पर अगर पेग रेशियो और बाकी वैल्यूएशन देखें तो पेग रेशियो 2.52 है, तो मैं बोलूंगा वैल्यूएशन के कंफर्ट हम लोग को यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो वी कैन वेट फॉर करेक्शन। अगर हमें लगता है कि मार्केट में कहीं करेक्शन ड्यू है तो करेक्शन का डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन में मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट भले ही नहीं दिख रहा हो, मेरे को कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, और आगे चल के जो बियरिंग्स में डिमांड आएंगे वो सब चीज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। प्राइस टू बुक इज 2.83, मार्केट कैप टू सेल्स इज 1.7, तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड ऑलमोस्ट 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13.5%, तो रिटर्न भी ठीक ठाक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो कुछ खराब भी नहीं है रिटर्न। इसका चार्ट पैटर्न हम लोग देखें तो इसमें ऑलरेडी अच्छा मतलब डेवलपमेंट हो चुका है, अच्छा खासा इसमें बढ़त आ चुका है, यहाँ पर ये नीचे गया था, नीचे से ऊपर गया, और उसके बाद इसने नीचे मुड़ के नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चार्ट ऊपर के ऊपर ही जाया जा रहा है। तो अगर कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो आई कैन एक्सपेक्ट कि दिस इज गोइंग टू रीच हायर लेवल्स, तो इसमें हायर लेवल हम लोग को दोबारा से 190 तक का देखने मिल सकता है। और अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो मेरे को लगता है करेक्शन में ये कहां तक गिर सकता है, ये करेक्शन में इस पॉइंट तक यानी 150 रुपए तक नीचे आने का चांसेस दिख सकता है।
कंपनी में अभी सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही हैं, अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं है कंपनी में, क्योंकि वैल्यूएशन मैंने बताया इसमें कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा है। क्यों वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं मिल रहा है? क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा आया नहीं है, तो अभी अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करके इसके वैल्यूएशन को आज देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है। पीयर ग्रुप से कंपेयर करें तो टिमकेन इंडिया का 65 का पी है, मेनन बियरिंग्स का 22 का है, गैलेक्सी का ऑलमोस्ट 21 का है, एसएनएल बियरिंग 12, हाँ एसएनएल 12, और अस्टिन इंजीनियरिंग है 17.2। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखिए कि बहुत हाई वैल्यूएशन भी नहीं है अगर पीयर से कंपेयर करें तो। 20 का पीस ओके, क्योंकि बाकी लोगों का पी भी उसी रेंज में, इंडस्ट्री पी 18.5 है, तो वहां पर अपने गुडविल की वजह से ये थोड़ा सा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो यहां पर देख सकते हैं कि ये लोग का थोड़ा सबसे खराब है, टिमकेन इंडिया हो, मेनन बियरिंग हो, सॉरी हाँ मेनन मेनन बियरिंग हो, गैलेक्सी बियरिंग्स हो, सबके मुकाबले ना इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये थोड़ा वीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो बाकी लोगों से कमजोर है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेफिनेटली कुछ कमजोरियां हैं, और यही कारण है कि इस प्राइस पे अवेलेबल है। वैल्यूएशन अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब क्या होता है, हम लोग कॉमन इन्वेस्टर लोग क्या होता है, हम लोग पास्ट रिकॉर्ड को देख के और नंबर्स को देख के जज करते हैं, पर अगर सब कुछ इतना ही खराब है तो क्यों मार्केट में और चार्ट में अचानक से इतना बाइंग दिख रहा है? कुछ लोग हैं जिनको आने वाला 6 महीना साल भर दिख रहा है। हाँ तो अभी हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है, 8 का है, मेनन बियरिंग्स का ज्यादा है, गैलेक्सी बियरिंग्स का उससे ज्यादा है, तो ये सब तो है। लिवरेज अगर देखें तो 1.7 का लिवरेज है, डेट इक्विटी 0.5 विच इज गुड, डेट 302 करोड़ का डेट है, तो अपने पूरे पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा डेट इसी कंपनी में, पेग इज 2.52, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा। क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो जून में इनका जो अर्निंग्स आया है 236 करोड़ का आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43 करोड़, मार्च में भी उतना ही था, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर में इसका अर्निंग 29 करोड़ था, मार्च में ये बढ़ के 43 करोड़ हुआ, जून में भी 43 करोड़ हुआ, और मार्जिन जो ये लोग मेंटेन करके रखा है 17-18% का मार्जिन मेंटेन करके रखा है। अर्निंग पर शेयर का बात करें तो यहाँ पर 2.47 का अर्निंग हुआ है विच इज वेरी गुड। इसके पहले के 4-5 क्वार्टर में ये अर्निंग 2 से नीचे ही था, अभी ये दोबारा से 2.5 रुपया हुआ है, तो जून में ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिला है कि अर्निंग भले ही फ्लैट रहा हो, मार्जिन इनका इंप्रूव हुआ है और इनका ईपीएस बढ़ा है, ये कारण है कि सब कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे और भी बेटर होगा। लेकिन आप पिछला जून देखेंगे तो पिछला जून में 1.68 का अर्निंग था, उसके पहले लॉकडाउन में तो देखिए ज्यादा देखने का ही कुछ नहीं है, 40 पैसा का अर्निंग था, तो जून टू जून अगर देखेंगे तो काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, एंड एक्सपेक्टेड है कि ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा और आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स विल बी बेटर। पूरे साल का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली वेरी क्लोज टू हाई है, 944 करोड़ का अर्निंग है, 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन किया है, पिछले साल 14% का था, वहां से इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके पहले 11% का, तो मार्जिन भी बेटर होते जा रहे हैं, और पूरे साल में कंपनी ने 7.5 रुपया का अर्निंग्स भी पोस्ट किया। सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछले 12 महीने में 9% का सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 5% के कैगर से ग्रो हुआ है, 10 साल में भी 5% के कैगर से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो पिछले 5 साल में 8% के कैगर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि डेट थोड़ा सा बढ़ा है, पिछले साल 253 करोड़ था, वो बढ़ के 302 करोड़ हो गया। फिक्स्ड एसेट यहाँ पर 358 करोड़ का है। अदर एसेट्स में देखते हैं इनके पास क्या क्या है, इन्वेंट्री इनके पास ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का है, ट्रेड रिसीवेबल 215 करोड़ का है, कैश में इनके पास 70 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है, और लोन्स एंड एडवांसेस 48 करोड़ का है। कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा है, 16 करोड़ का कैश फ्लो ऑपरेशन है, क्योंकि इनका इन्वेंट्री में ऑलमोस्ट 67 करोड़ रुपया फंस गया है, रिसीवेबल्स में 31 करोड़ रुपया फंस गया, तो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में पैसा अटक गया, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन खराब दिख रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने 50 करोड़ रुपया खर्चा किया है, फिक्स्ड एसेट में 30 करोड़ और 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट खरीदा है।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बात करें तो इनका लोन इन्होंने 103 करोड़ का लिया है और 60 करोड़ का चुकाया है, तो मोर और लेस 40 करोड़ का डेट इनका बढ़ा है। डिविडेंड इन्होंने माइन्यूटली पे किया है और डिविडेंड और इंटरेस्ट भी इन्होंने पे किया है प्रॉपरली। कैश कन्वर्सन साइकिल देखें तो कैश कन्वर्सन साइकिल में यहाँ डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स इश्यू, जो मुझे लगता है वर्किंग कैपिटल डेज जो 140 दिन 134 दिन का हुआ करता था वो 155 दिन का हुआ है। ये मार्च 22 का कहानी है, पर जून का रिजल्ट क्योंकि अच्छा हुआ मार्केट ने इन्होंने इनको वैसे ही रिवार्ड किया। रिसेंटली इनका जो प्राइस बढ़ा है इट इज बिकॉज जून के नंबर्स अच्छे आए हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि मे बी आगे भी और अच्छा होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करूं तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 50% शेयर है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 21% है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास 11 साढ़े 11% है और पब्लिक के पास 17% है। पर जो चीज खराब हो रहा है, जो मुझे खराब दिख रहा है वो ये कि पब्लिक के पास होल्डिंग धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, म्यूचुअल फंड अपना धीरे धीरे होल्डिंग कम कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा सा, फॉरेन इन्वेस्टर भी अल्टीमेटली कम ही कर रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आर गेटिंग आउट, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर गेटिंग आउट, पब्लिक इज गेटिंग इन, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है ये चीज। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता है बिजनेस के लिए, क्यों बिजनेस मतलब जब लोग एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी के लिए कि क्यों बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग किस कंपनी से बाहर जा रहे हैं, तो ये कारण है कि मुझे ये कंपनी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नंबर वाइज अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। बट एक बार इसके बिजनेस को जरूर स्टडी करेंगे ताकि हम लोग देख पाए कि भले ही अभी कुछ हम लोग को भले ही नंबर्स में नहीं दिख रहा है, क्या फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है कंपनी में। इसलिए हम लोगों ने इस कंपनी को अब बिजनेस को डिटेल में स्टडी करना होगा ताकि एक प्रॉपर आइडिया हमें लग सके कि इसमें करना क्या है, कि क्या इस कंपनी से हमेशा के लिए दूर रहना है या इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्यूचर में हो सकता है। क्या करती है कंपनी? फाउंडेड इन 1965 एनआरबी वाज द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर नीडल रोलर बियरिंग्स। तो इसका खासियत क्या है, ये क्या बनाते हैं, नीडल रोलर बियरिंग्स बनाते हैं इंडिया में फॉर ओवर 40 इयर्स, 40 साल से बना रहे। एनआरबी हैज पाइनियर्ड इन द लीडिंग एज ऑफ बियरिंग टेक्नोलॉजी एंड टुडे ओवर 90% ऑफ द व्हीकल्स इन इंडियन रोड्स रन ऑन एनआरबी पार्ट्स। तो बोल रहे 90% व्हीकल्स में इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। दे आर ग्लोबल बेंचमार्क प्लेयर्स इन क्वालिटी एंड इनोवेटिव डिजाइंस इन हाई प्रिसीशन फ्रिक्शन सॉल्यूशंस। एनआरबी बियरिंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन नीडल रोलर बियरिंग, कन्वेंशनल सिलेंड्रिकल एंड रोलर बियरिंग। तो ये सब चीज में एनआरबी एक लीडर है अपने फील्ड का। सब्सिडरीज का बात करें तो इनके चार सब्सिडरीज है, एसएनएल बियरिंग लिमिटेड, एनआरबी बियरिंग थाईलैंड लिमिटेड, एनआरबी बियरिंग यूरोप एंड एनआरबी यूएस। तो ये चार सब्सिडरी है कंपनी के। अब यहाँ पर डिटेल अगर देखना है तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितना कितना होल्डिंग है। तो एसएनएल बियरिंग्स में इनके 73.45% होल्डिंग है, एनआरबी बियरिंग थाईलैंड में 100% का होल्डिंग है, यूरोप वाले में भी 100% का होल्डिंग है, एनआरबी बियर होल्डिंग लिमिटेड में इनका 100% का होल्डिंग है और यूएसए वाले में भी इनका 100% का होल्डिंग है। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी अगर हम लोग जज करना चाहें तो इनका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, मेन मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है इनका, कि नीडल रोलर ब्रशेस से आता है इनका 56% रिवेन्यू आता है, बॉल एंड रोलर बियरिंग से 29% रिवेन्यू आता है और ऑटोमोबाइल के कुछ कंपोनेंट्स ये लोग सप्लाई करते हैं जहां से 15% रिवेन्यू आता है। मार्केट शेयर का बात करें तो बियरिंग सेगमेंट में इनका 13% का मार्केट शेयर है, नीडल रोलर बियरिंग में इनका 70% का मार्केट शेयर है। तो नीडल रोलर बियरिंग का खासियत हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसके वजह से गाड़ियों में कुछ बेटरमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि 70% मार्केट शेयर होना इज नॉट अ जोक। किसी भी प्रोडक्ट में अगर किसी कंपनी का 70% मार्केट शेयर है, इसका मतलब कि कुछ इनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, ऐसा है कि लोग इनसे खरीदना पसंद करते हैं। अगर इनके रिवेन्यू देखें तो इंडिया से 74.6% का रिवेन्यू आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 25.4% का आता है। गाड़ियों का अगर डिवीजन वाइज देखें कि सेगमेंट वाइज, तो टू व्हीलर से 33% रिवेन्यू आता है, पैसेंजर व्हीकल से 20% आता है, कॉमर्शियल व्हीकल से 19% आता है, अदर्स से 18% एंड ऑफ हाईवे से 10%। तो मेनली रेवेन्यू कहाँ से आता है, टू व्हीलर से आता है, पैसेंजर व्हीकल से एंड कॉमर्शियल व्हीकल से।
तो हमें अगर इस कंपनी का फ्यूचर को एनालाइज करना है तो हमें बेसिकली ये एनालाइज करना होगा, डॉट्स को कनेक्ट करना होगा कि आगे चल के टू व्हीलर का डिमांड क्या दिखता है, टू व्हीलर के प्रोडक्शन क्या दिखते हैं फ्यूचर में, कि क्या इंडिया में टू व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्या एक्सपेक्टेड है। पैसेंजर व्हीकल्स का मतलब होता है कि जो गाड़ी हम लोग पर्सनल यूज में इस्तेमाल करते हैं उसको पैसेंजर व्हीकल्स बोलते हैं, तो वो उसमें 20% ऑफ द रेवेन्यू वहां से आता है। तो क्या लगता है गाड़ियों का डिमांड आगे चल के बढ़ेगा या घटेगा, गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए या कुछ भी आए, बियरिंग्स का डिमांड तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बियरिंग्स का डिमांड रहता है, तो वहां पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन बढ़ेगा या नॉर्मल किसी भी गाड़ी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बियरिंग्स का डिमांड अगर रहेगा तो इनके लिए भी डिमांड बना रहेगा। तो हमें ये एनालाइज करना है या एज एन इन्वेस्टर इस चीज पे ध्यान रखना है कि हर मंथ में जब ऑटो का डेटा आता है तो ऑटो को डेटा से समझना है कि क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए अभी हम लोग इस कंपनी को लेके किसी भी डिसीजन में नहीं आ सकते बिकॉज वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ी महंगी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम हमें लग रहा है फ्यूचर अच्छा होगा, गाड़ियों का डिमांड बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा, तो हम लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि हम लोग को ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि ऑटो के डेटा कैसे आ रहे हैं, ऑटो नंबर्स बेटर हो रहा है या खराब हो रहा है। अगर ऑटो नंबर्स बेटर हो रहा है, प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है मंथ ऑन मंथ, तो फिर ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अगर मंथ ऑन मंथ इनके ऑटो नंबर्स खराब हो रहे हैं तो इस कंपनी के लिए नेगेटिव है। तो क्या दिस इज हाउ यू ट्रैक अ कंपनी, आप किसी कंपनी को जब ट्रैक करते हैं तो आपको उसके एंड यूजर को ट्रैक करते रहना पड़ता है ताकि आप जज कर सके कि जो इवेंट्स अनफोल्ड होते जा रहे हैं वो इवेंट्स इनके फेवर में अनफोल्ड हो रहे हैं या इनके रिवर्स में अनफोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए चाहते तो हम लोग इसका, अगर अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर वी आर कंफ्यूज्ड कि इस कंपनी में क्या करना है तो हम लोगों ने इसका स्टडी क्यों किया अगर वैल्यूएशन में कंफर्ट है, तो स्टडी करने के पीछे रीजन ये है कि हमेशा जो कंपनी में वैल्यूएशन कंफर्ट है जिसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हैं हमेशा, वो स्टडी नहीं किया जाता। एज एन इन्वेस्टर हम लोग को ऐसे कंपनी को भी स्टडी करना पड़ता है या ऐसे कंपनी को भी स्टडी करना चाहिए जिसका स्टोरी अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ है, जिसका स्टोरी अनफोल्ड होना बाकी है, अभी कंफ्यूज स्टेट में है, वो पॉजिटिवली अनफोल्ड भी हो सकता है या नेगेटिवली अनफोल्ड भी हो सकता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियो में एनआरबी बियरिंग के शेयर है, बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। तो एज ए एनालिस्ट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे सकूं और बता सकूं कि आपको फ्यूचर में क्या ट्रैक करना है जिसके बेसिस पे आपका डिसीजन होगा कि शुड बी इन्वेस्ट, और अगर हम इन्वेस्टेड है तो शुड बी गेट आउट। तो उसके लिए आपको ऑटो नंबर्स ट्रैक करते रहने होंगे। प्रोडक्ट का बात करें तो आप देख सकते हैं कितना अलग अलग प्रकार का इनका प्रोडक्ट है, नीडल बियरिंग्स है, मतलब मेनली इनका नीडल बियरिंग्स का ही काम है, उसके अलावा कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट भी ये लोग बेचते हैं, बॉल बियरिंग्स भी बनाते हैं। तो बॉल बियरिंग्स एक कैटेगरी है, नीडल बियरिंग्स एक कैटेगरी है, और तीसरा क्या है, ऑटो के कुछ कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। तो क्रैक पिन्स और पेलेंट्री शाफ्ट ये सब जो है दीज आर ऑटो कॉम्पोनेंट्स, तो तीन कैटेगरी में इनका बिजनेस है। तो अब समझना होगा कि इनका मेजर मार्केट शेयर किस में, इनका मेजर मार्केट शेयर है नीडल बियरिंग में जिसमें इनके पास 70% मार्केट शेयर है। तो नीडल बियरिंग का क्या खासियत होता है ये समझना होगा, इस नीडल बियरिंग बेटर देन बॉल बियरिंग या फिर दोनों का इस्तेमाल अलग अलग गाड़ियों में होता है, क्या होता है वो समझना होगा। एनआरबी हैज अ लीडरशिप पोजीशन इन नीडल रोलर बियरिंग, कन्वेंशनल सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स एंड ऑल्सो न्यू जेनरेशन ऑफ लाइट वेट ड्रॉन कप बियरिंग्स। तो कहाँ कहाँ पर इनका लीडरशिप पोजीशन है, नीडल रोलर बियरिंग में, कन्वेंशनल सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग में, न्यू जेनरेशन लाइट वेट में। इट ऑल्सो मैनुफैक्चर्स प्लेंटरी शाफ्ट, क्रैक पिन्स एंड किंग पिन्स। तो ये लोग क्या क्या बनाते हैं, प्लेंटरी शाफ्ट बनाते हैं, क्रैक पिन्स बनाते हैं और किंग पिन्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, प्रमोटर्स इन डेप्थ एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, यानी इनका और इसमें स्ट्रेंथ क्या है कंपनी में कि क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर के पास जो एक्सपीरियंस है बियरिंग्स बनाने का वो बहुत अच्छा है, लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस है प्रमोटर के पास, और इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, एंड इनके पास 70% मार्केट शेयर है, ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके। तो प्रमोटर के पास एक्सपीरियंस है, बिजनेस ठीक है, मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तो कंपनी के लिए जो जो बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए कि जब भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट ग्रोथ, वो सब कुछ इनमें मौजूद है।
अब आता है कि ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली ऑटो में होता है, बट मेजोरिटी अभी इनका रेवेन्यू ऑटो से आ रहा है, सीवी से आ रहा है, पीवी से आ रहा है और टू व्हीलर से आ रहा है। बट इस बियरिंग्स का इस्तेमाल और कहाँ होता है, उससे भी क्या होगा, फ्यूचर जो डेवलपमेंट है वो अनफोल्ड होगा। इसलिए हम लोग को इसको स्टडी करना जरूरी है कि और कहाँ यूज होता है। तो आप देखो दैट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो व्हीकल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो रेलवेज में इसका इस्तेमाल होता है, डिफेंस में इसका इस्तेमाल होता है, फार्म इक्विपमेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस में होता है, फिर पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, ऑटो रिक्शा, ये तो है। तो ऑटो में जो है वो तो हम लोग को पता है, और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोग जज करने का कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में इनके साथ क्या हो सकता है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि उसके अलावा जो जो डिवीजन में इसका इस्तेमाल होता है उसमें कितना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, ये समझना होगा। कि रेलवेज में वंदे भारत एक्सप्रेस के थ्रू ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे कोचेस का ऑर्डर आने वाला है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए कि कितना ऑर्डर आने वाला है, कितना गवर्नमेंट का प्लान है, तो हमारा टीटागढ़ वैगन वाला आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि रेलवेज में आगे चल के कितना बड़ा पोटेंशियल है। डिफेंस का अगर आपको समझना है कितना बड़ा पोटेंशियल है, तो हमने डिफेंस के ऊपर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप किसी भी कंपनी में जाके देख सकते हैं। मजगांव डॉक पे हम लोगों ने बनाया है, BEL पे बनाया है हम लोगों ने, गार्डन ब्रिज पे बनाया है हम लोगों ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे बनाया है। तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी कवर किए हैं डिफेंस में, आप उसको भी जाके हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल में जाके। तो आपको क्या होगा, क्लियर आइडिया होगा कि रेलवेज में आगे चल के कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, डिफेंस में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, फार्म इक्विपमेंट्स में अपॉर्चुनिटी आ सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है अभी दुनिया भर में, यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद खेती में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है ना। यूक्रेन का जितना खेती था, यूक्रेन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि यूक्रेन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, तो उनके यहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप में सूखा पड़ा हुआ है, चाइना में सूखा पड़ा हुआ है, उनके वहां खेती डिस्टर्ब हो गया। अगर आपको ये भी समझना है, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है यूरोप का जो सूखा पड़ा है ना, उसके ऊपर एक डिटेल हम लोगों ने मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने पूरा समझाया कि कहाँ कहाँ कितना सूखा पड़ा है और उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो भी आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, और हो सकेगा तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में जो आता है वहां पर इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो आप क्या होगा कि किसी कोई भी कंपनी देखिए आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं करती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है, अब दुनिया में तबाही मचा हुआ है तो मेरे पे उसका असर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज से आइसोलेटेड नहीं रह सकते। तो रेलवेज में अगर अच्छा हो रहा है तो उसका बेनिफिट भी मेरे पास आएगा, अगर खेती में डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसका दिक्कत भी मेरे पास आएगा। इंडिया के लिए क्या बेटर है, क्योंकि दूसरे जगह खेती डिस्टर्ब हो रहा है तो इंडिया के फूड का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इनफैक्ट इतना एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है इंडिया के पास कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पे रोक लगाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले का आप न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया, क्योंकि इतना एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है। तो जितना एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो किसका बेनिफिट है, फार्मर्स लोगों का बेनिफिट है, तो यानी फार्म इक्विपमेंट्स का डिमांड बढ़ेगा। एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस में इनका जो एप्लीकेशन है, तो अभी बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी एविएशन को लेके बुलिश है। हमारे पास पहले स्पाइसजेट और इंडिगो दो कंपनी हुआ करती थी, एयर एशिया भी हुआ करती थी, अभी अभी टाटा का इंडियन एयरवेज जो है वो भी चालू हो गया है, श्री लेट राकेश झुंझुनवाला जी का जो एयरलाइंस है वो भी चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ ऑटो को देख के अगर जज करेंगे कि कंपनी में क्या पोटेंशियल है, तो नहीं होगा। और जहां जहां इनके बियरिंग्स का एप्लीकेशन है, अभी तक रेलवे में कुछ सरकार ने अच्छा नहीं किया था, डिफेंस में अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो इनका रेवेन्यू शेयर डिफेंस में या रेलवे में कम था। इंपॉर्टेंट है आने वाले 1-2 साल में कितना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, उसके बेसिस पे क्या होगा, दिस विल डू गुड। अब हम लोग समझते हैं कि नीडल रोलर बियरिंग्स कहाँ काम आता है। तो नीडल रोलर बियरिंग्स जो है, दे आर यूज्ड फॉर यूनिवर्सल जॉइंट्स एंड गियर बॉक्स ले शाफ्ट, फर्स्ट मून शाफ्ट, मेश गियर व्हील ब्रिंग्स, ये सब जगह इनके इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंस क्या है, रोलर बियरिंग जो है, बॉल रोलर बियरिंग और नीडल रोलर बियरिंग में क्या डिफरेंस है, कंपेयर टू द बॉल बियरिंग एंड ऑर्डिनरी रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग हैव ग्रेटर सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द रेसेस, सो दे कैन सपोर्ट ग्रेटर लोड। यानी जहां पर लोड ज्यादा होता है, वहां पर बॉल रोलिंग, जो बॉल रोलर बियरिंग है,
उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है नीडल रोलर बियरिंग। तो और नीडल रोलर बियरिंग में क्या एडवांटेज, इस कंपनी के पास क्या खासियत है, 70% मार्केट शेयर है। तो जितना हम लोग का बिजनेस ग्रो करेगा, जितना लॉजिस्टिक्स का डिमांड बढ़ेगा, लोड गाड़ियों पे बढ़ेगा। आज आपका अगर 100 पीस बिकता था, आप एक लॉरी में लगाते थे, अब 120 का डिमांड आएगा ना, तो आप दो लॉरी नहीं करोगे। एज अ बिजनेसमैन सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिक लगाइए। 100 पीस का ऑर्डर था, एक लॉरी जाता था, 120 पीस का ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, दो लॉरी थोड़ी जाएगा। उसी एक लॉरी में आप ज्यादा लोड करके भेजेंगे, तो जब लॉरी में आप ज्यादा लोड करके भेजेंगे सामान को, तो वो लोड को झेलने के लिए जो आपको बियरिंग चाहिएगा ना, वो बॉल बियरिंग से काम नहीं चलेगा, फिर आपको यहाँ पर नीडल बियरिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर जितना इंडिया में ग्रोथ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगा, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा, लोडिंग बढ़ेगा। लोडिंग बढ़ेगा तो हम लोग को बेटर क्वालिटी बियरिंग चाहिएंगे, यानी नीडल रोलर बियरिंग चाहेगा चाहिएगा हम लोग को। और उसमें मास्टर कौन है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है, एनआरबी बियरिंग के पास है। अब समझ में आ रहा है खेला, क्यों मैंने इस कंपनी को स्टडी करने के बारे में। तो हमेशा नंबर्स विल नॉट स्पीक फॉर इटसेल्फ, नंबर्स कभी कभी बहुत खराब दिख सकते हैं, पर जो चार्ट में दिख रहा है कि अचानक से इसका प्राइस इतना बढ़ा है, कुछ तो है, क्यों इसका प्राइस बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने जून क्वार्टर का देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग कम हो गया, डोमेस्टिक का कम हो गया। अभी सितंबर क्वार्टर का आना बाकी है, तो ये 2-3 महीना में हो सकता है उन्होंने दोबारा से एंट्री लिया हो, इसलिए शेयर का प्राइस बढ़ा है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप समझ, आप एनालाइज करिए कि इंडिया में जो ग्रोथ नजर आ रहा है, इंडिया में जो डेवलपमेंट आ रहा है, 1 से 2 साल बाद क्या हो सकता है, नीडल बियरिंग कैसे काम करता है। तो नीडल रोलर बियरिंग जो है इज अ बियरिंग दैट यूजेस स्मॉल सिलेंड्रिकल रोलर्स। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे सिलेंड्रिकल रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां बॉल्स के जगह सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं, एंड दीज रोलर्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग सर्फेस। कंपेयर टू बॉल बियरिंग, नीड रोलर बियरिंग्स हैव लार्ज सर्फेस एरिया दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद बियरिंग रेसवे जर्नल्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बॉल रोल बियरिंग के मुकाबले नीडल रोलर बियरिंग क्यों ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए या इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग पढ़े, तो देखिए ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इतना तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप पढ़ो, बट दिस विल गिव यू लॉट ऑफ आइडिया कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड। मैं मेन मेन चीज, जो एक जो चीज है वो मैं समझा देता हूँ कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान्स एम्स एट अचीविंग 6 to 7 million यूनिट्स ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2020 ऑनवर्ड्स। तो ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में खास फोकस करने जा रहे हैं। तो एज पर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फोरकास्ट, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू रीच $80 बिलियन बाय 2026। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है कि $80 बिलियन ऑटो के कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट का क्या बोलना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमोटिव मिशन प्लान्स हैज कम लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग ग्रोथ फॉर द सेक्टर। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू अचीव 300 बिलियन बाई 2026। तो इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री $300 बिलियन का हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो सेक्टर इन कंट्रीज GDP इज 12%। तो आप समझ सकते हो कि ऑटो सेक्टर कितना बड़ा हमारे GDP के ग्रोथ में मददगार है, यानी GDP के ग्रोथ में इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अराउंड 65 मिलियन इंक्रीमेंटल नंबर्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स आर क्रिएटेड। एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी विल बी इंप्लीमेंटेड इन ओल्ड व्हीकल्स। तो ये सारा चीज बता रहा है कि आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाला है और डिमांड इंप्रूव होने वाला है। इंडिया इज वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बाई 2026। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 44% बिटवीन 2020 टू 2027 एंड इज एक्सपेक्टेड टू हिट 6.3 मिलियन यूनिट्स एनुअल सेल्स बाय 2027। तो ये सारा कुछ क्या प्रेडिक्शन बता रहा है कि इंडिया का ऑटो सेक्टर आज से 3 साल 4 साल में काफी बढ़ने वाला है। और ऑटो में जब इतना ग्रोथ आएगा, डिफेंस में ग्रोथ आएगा, रेलवे में ग्रोथ आएगा, तो भैया बियरिंग कहाँ से लोगे, कितनी कंपनी है बियरिंग बनाने वाली इंडिया में। और फिर नीडल रोल बियरिंग में तो ये मास्टर है, आप कहाँ कहाँ जाओगे। ठीक है, हो सकता है अभी 5 महीना 6 महीना शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, बट आप 2 साल 3 साल का विजन के हिसाब से सोचिए कि जब ऑटो सेक्टर में इतना चेंज आ रहा है, डिफेंस रेलवे सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो
कहाँ जाएगा डिमांड? पीएलआई स्कीम का अगर मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम इज वेरी गुड। द पीएलआई स्कीम आउटले ऑफ 3.5 बिलियन डॉलर्स फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रपोजेस फाइनेंशियल इंसेंटिव अप टू 18% बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए भी सरकार ने पीएलआई स्कीम लाया है, विच इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर व्हीकल्स का प्रोडक्शन का बात करूं तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन नंबर्स है, तो मैंने बताया था ना आपको कि प्रोडक्शन नंबर हमें हर महीना ट्रैक करना होगा, तो इस तरह से हम लोग को ट्रैक करना पड़ता है कि पिछले साल क्या प्रोडक्शन था, इस साल क्या प्रोडक्शन। तो 2021 में क्या प्रोडक्शन था, 21-22 में क्या प्रोडक्शन रहा है। तो आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, कमर्शियल व्हीकल्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, थ्री व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ा है, खाली टू व्हीलर का प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये क्या हुआ था 2021 में जो कोविड आया था, 3 महीना का लॉकडाउन लग गया था और सारे बसेस एंड एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड, तो वहां पर क्या था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो दे वेर फोर्स्ड टू बाय टू व्हीलर्स। तो लोग पागलों की तरह टू व्हीलर्स खरीद रहे थे, तो वहां पर क्या था कि टू व्हीलर का डिमांड बहुत ज्यादा आ गया था, तो प्रोडक्शन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर अब 21-22 में क्या है, दोबारा से बस ट्रेन सब चालू हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो अब क्या है, वो इतना हबड़ा दबड़ी नहीं है कि मेरे को टू व्हीलर आज ही जाके खरीदना है। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर हबड़ा दबड़ी मचा था उतना इस बार नहीं है। पर बाकी सेगमेंट आप देखो कि पैसेंजर, कमर्शियल और थ्री व्हीलर, इसमें कितना अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो इससे हम लोग को जज करना होगा कि इसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कमर्शियल व्हीकल में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, थ्री व्हीलर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब आप समझो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स तो हम लोग पर्सनल यूज में लेते हैं, आप ये समझो कि कमर्शियल व्हीकल में 29% का प्रोडक्शन बढ़ना, थ्री व्हीलर में 23-24% का बढ़ना, ये क्यों बढ़ रहा है? आप डॉट्स कनेक्ट करना सीखो कि आपको साइकोलॉजी समझना होगा मार्केट का कि पैसेंजर व्हीकल्स जो है उसका डिमांड कब आता है। उसका डिमांड तब आता है जब लोगों के पॉकेट में पैसा होता है। तो जब लोगों का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव होता है कॉमन पब्लिक का, तब वो घर में गाड़ी खरीदने जाते हैं पर्सनल यूज के लिए। पर कमर्शियल व्हीकल्स और थ्री व्हीलर्स का डिमांड जो है वो कब आता है, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मजबूत हो, जब बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है, तब क्या होगा, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करेगा और गाड़ियों का डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल और थ्री व्हीलर का डिमांड बढ़ रहा है वो इसलिए क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन आता है अभी तो बढ़ रहा है, आगे क्या होगा? तो आगे अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको समझना होगा कि आने वाले साल 2 साल में चाइना से बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होकर इंडिया शिफ्ट होने वाली है, इंडिया में प्रोडक्शन और बढ़ने वाला है। लोग चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तहत इंडिया को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब देखते हैं और गवर्नमेंट भी अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगी हुई है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में 1-2 साल काफी बढ़ेगा। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल व्हीकल्स और थ्री व्हीलर्स का डिमांड बढ़ेगा, तो बियरिंग का भी डिमांड बढ़ेगा इनडायरेक्टली। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का बात करूं तो ऑलरेडी मैंने वैसे बता दिया, ग्रोथ ड्राइवर क्या क्या है उस पर फोकस कर लेते हैं एक बार कि ग्रोथ ड्राइवर इनका है कि डिमांड आगे चल के अच्छा रहना चाहिए, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगा। क्यों आएगा? जैसा मैंने शुरू में बताया कि रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दिया यूरोप को, तो वहां पर प्रोडक्शन हिट होगा, बहुत सारे प्लांट्स वहां पर या तो हाफ डे काम कर रहे हैं या तो बिल्कुल बंद हो गए। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आया था कि रेन इंडस्ट्री ने अपने प्लांट को शटडाउन कर दिया क्योंकि गैस का शॉर्टेज है वहां। तो प्रोडक्शन वहां रुकेगा तो वो प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, तो वो डिमांड सब इंडिया शिफ्ट होगा, तो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा। पॉलिसी गवर्नमेंट का सपोर्टिव है और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इंडिया के पास है कि वी हैव द लोएस्ट, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑटो। ठीक है, वन ऑफ द लोएस्ट, आई एम नॉट सेइंग लोएस्ट, क्योंकि हमारे पास चीप लेबर कॉस्ट है, फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सारा मौजूद है इंडिया में, तो वहां पर हम लोग को ये एडवांटेज भी आगे मिलता है। फ्यूचर आउटलुक क्या दिखता है? तो मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर आउटलुक बताया है दैट वी हैव गेन्ड मार्केट शेयर इन आवर चूजन सेगमेंट इवन इन द लास्ट क्वार्टर एंड डोमिनेट ग्लोबल ट्रक सेगमेंट। एनआरबी ऑफर्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर कन्वेंशनल एंड हाइब्रिड एंड ईवी इन ट्रक सेगमेंट। तो जो हम इन लोग का एनआरबी जो प्रोडक्ट ऑफर करती है, बोल रहे ईवी के सेगमेंट में भी इनके प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा और एप्लीकेबिलिटी रहेगा। तो जो डर है मन में कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में बियरिंग लगेगा नहीं लगेगा, तो वहां पर इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया कि ईवी ट्रक सेगमेंट में भी इनका डिमांड रहेगा। द कंपनी इज कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट एज वेल एज ऑन द फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स विच दे आर को डेवलपिंग। तो ऑलरेडी फ्यूचर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का गाड़ी आने वाला है उसके कंपैटिबल में जो प्रोडक्ट्स है कंपनी उसमें ऑलरेडी काम कर रही है। एंड वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल दैट डिमांड रिवाइवल
वी आर सीइंग इन करंटली विल कंटिन्यू। तो बोल रहे हैं हम लोग कॉशियसली, कॉशियस भी है बट ऑप्टिमिस्टिक है कि ये डिमांड कंटिन्यू रहेगा। ये लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? एनआरबी सप्लाईज टू वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट ई व्हीकल्स इन यूरोप, अमेरिका एंड जापान, नॉमिनेटेड बाय लार्ज लीडिंग प्लेयर्स ग्लोबली इन न्यू इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स। तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स में भी इनका सामान का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इन वर्चुअली एवरी लाइट टू हेवी व्हीकल्स फॉर हाइब्रिड एंड ई ड्राइव इन यूरोप। तो ये लोग हाइब्रिड व्हीकल में, ई व्हीकल में सब जगह ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया कि व्हाइल द ग्लोबल सप्लाई चेन शॉर्टेज ऑफ ईज टू सम एक्सटेंट, हायर इनपुट कॉस्ट रिमेन्स अ चैलेंज। तो हायर इनपुट कॉस्ट आज भी चैलेंज है एंड टफ मार्केट कंडीशन, द कंपनी हैज रिपोर्टेड गुड परफॉर्मेंस। ये जो मैनेजमेंट का कमेंट्री आया था ये 9 months FY22 का जो रिजल्ट था उसमें आया था, ये अभी Q1 का रिजल्ट का कमेंट्री नहीं। ये इस कंपनी के साथ क्या दिक्कत है अगेन कि इनका कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है बहुत समय से। मैनेजमेंट भी कॉन कॉल और ये सब भी कोई खास नहीं कर रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो क्या बहुत यहाँ पर एक तरह से बोले तो कंसिस्टेंट नहीं है मैनेजमेंट। कभी मन होता है तो कॉन कॉल करते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगर आता है कभी तो आता है, लास्ट फरवरी में आया था, उसके बाद 2-3 क्वार्टर का कोई समझ में नहीं है कि क्या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बना कि नहीं, ट्रांसक्रिप्ट कहीं अवेलेबल नहीं है कॉन कॉल के। तो उस तरह में क्या होता है, मैनेजमेंट जब इस तरह से परफॉर्म करती है ना तो इन्वेस्टर लोगों का थोड़ा सा मन खराब हो जाता है कि भाई आप कंसिस्टेंटली कॉन कॉल क्यों नहीं कर रहे, आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और रिजल्ट्स के साथ क्यों नहीं आ रहा है। तो जब ये सब आप अपडेट्स नहीं दोगे अपने इन्वेस्टर को तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इन्वेस्टर अपना मन कैसे बनाएंगे। तो ये सब चीज मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। कंपनी में तो फंडामेंटली एवरीथिंग इज गुड, पर इन्वेस्टर के साथ आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो जब तिरुमलाई का मिलकर किया, वो भी इतनी अच्छी कंपनी बट एक ही प्रॉब्लम, मैनेजमेंट का इन्वेस्टर के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो वहां पर फिर क्या हो जाता है, किसी भी बड़े इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट लगाना इज बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये सब थोड़ा दिक्कत है। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू रीस्ट्रक्चर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बाय क्लोजिंग डाउन टू ऑफ आवर फैसिलिटीज इन थाने एंड चितकल थाना औरंगाबाद। तो दो फैक्ट्री को इन लोगों ने बंद कर दिया है ताकि बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर सके, लॉस मेकिंग यूनिट्स को बंद कर सके और प्रॉफिटेबल यूनिट्स के साथ काम कर सके। द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी विल मूव टू आवर लार्जर प्लांट्स, विल अलाउ अस टू ब्रिंग इन मोर ऑटोमेशन एंड विल बी मोर फ्लेक्सिबल विथ आवर प्रोडक्शन। तो बोल रहे हैं हम लोग ऑटोमेशन और ज्यादा लाएंगे और अपने प्रोडक्शन में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होने का कोशिश करेंगे। गोइंग अहेड वी विल लिवरेज आवर कैपेबिलिटी टू डेवलप न्यूअर प्रोडक्ट्स एंड गेन मार्केट शेयर। नया प्रोडक्ट्स ये लोग डेवलप करने के प्लान में और मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। मैनेजमेंट इज पैशनेट अबाउट द क्वालिटी एंड आवर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड टू टर्न द चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी। ये सब तो ठीक है। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लॉस मेकिंग यूनिट था उसको बंद कर दिए, विच इज अ गुड स्टेप। इन्होंने बोल रहे हैं कि हम लोग नया प्रोडक्ट्स और डेवलप कर रहे हैं, मार्केट शेयर गेन करने का कोशिश करेंगे। और ये जो इन्होंने बात बोला था 9 मंथ बोलने का मतलब हो गया दिसंबर के एंड में, वो चीज हमें अब जून के रिजल्ट में नजर आ रहा है कि नंबर्स आर इंप्रूविंग। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने जो दिसंबर के रिजल्ट के समय कमेंट्री दिया था वो जून के रिजल्ट में बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आता है कि इतना सब कुछ जो डिस्कशन हम लोगों ने किया उसके हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली इस कंपनी का फेयर वैल्यूएशन क्या हो सकता है और आगे चल के क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो मुझे जो लगता है इस कंपनी में कि इनका करंट रेवेन्यू अभी 944 करोड़ है, अगर सब कुछ बहुत अच्छा चला तो भी मैंने कंजर्वेटिव नंबर्स लिया है। क्यों मैंने लिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी जो यूरोप में दिक्कत है ना उसके वजह से बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं आएगा। तो 10% का अगर टॉपलाइन ग्रोथ आ जाता है विद एबिटा मार्जिन्स ऑफ 18% तो मुझे लगता है कि ये 258-260 तक इसका प्राइस जाना पॉसिबल है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा भी नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी चलता है तो 8% का टॉपलाइन ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग विद एबिटा मार्जिन ऑफ से 16%। तो वहां पर जो शेयर प्राइस निकल के आता है वो ऑलमोस्ट यही भाव आता है जहां पर कंपनी अभी है। तो अभी कंपनी एकदम अपने फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, ना कम ना ज्यादा। अब अगर थोड़ा सा डाउन साइकिल आता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है डाउन साइकिल में कि जो ग्रोथ है वो खाली 6% आई एम एक्सपेक्टिंग, इबिटा मार्जिन थोड़ा और गिर सकता है अगर वॉल्यूम्स नहीं आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस ज्यादा से ज्यादा 113-115 रुपया तक नीचे जा सकता है अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए। बट अभी जैसा डेवलपमेंट है कि ऑटो का प्रोडक्शन बढ़ रहा है सब जगह, यूरोप में प्रोडक्शन में हैम्पर आएगा तो आई थिंक वो डिमांड इंडिया शिफ्ट होना चाहिए। देखिए दिस इज ऑल माई
माय ओपिनियन, ये किसी भी तरह का मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी को खरीदिए या मत खरीदिए। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना होता है कि हम कंपनी के बारे में कैसे स्टडी करते हैं, डॉट्स को इंडस्ट्री में जो भी कुछ हो रहा है उसके डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे एक ओपिनियन फ्रेम करके अपना एक वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं कि क्या अच्छा हुआ तो क्या हो सकता है, खराब हुआ तो क्या हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एंड से एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मेरी किसी भी बात को आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा और मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन मत लीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, फिर आपको जो अच्छा लगता है उस बेसिस पे आप डिसीजन लें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल एडवाइजर से के साथ बैठिए, उनको ये वीडियो दिखाइए ताकि वो भी पूरे वैल्यू चेन को, पूरे बिजनेस को समझ सके, एंड देन ही कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस कि ये कंपनी में लेना है कि नहीं। देखिए, इस कंपनी में मैंने खुद कहा कि अभी बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन पे चीज, राइट साइड बियरिश भी हो सकती है, लेफ्ट साइड बुलिश भी हो सकती है। अगर लेफ्ट साइड होना है तो क्या क्या कारण है, मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन है हो सकता है इंडिया शिफ्ट करें। बियरिश क्यों हो सकता है, क्योंकि यूरोप में जिस तरह से अमेरिका में इन्फ्लेशन चल रहा है, यूरोप में इन्फ्लेशन चल रहा है, अब क्या रशिया ने भी गैस का सप्लाई बंद कर दिया है, तो गैस के दाम वहां पर आसमान छू रहे हैं, लोगों लोगों का इलेक्ट्रिक बिल चुकाने में उनका हालत खराब हो रहा है। वो लोग अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल नहीं चुका पा रहे, इतना महंगा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में फिर गाड़ी कौन खरीदेगा, जहां इलेक्ट्रिक बिल चुकाने का अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो गाड़ी कौन खरीदेगा, तो दैट कुड बी ए नेगेटिव थिंग। तो अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, अब अपनों को ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ ऑटो का डेटा कैसा आता है, उस हिसाब से समझना होगा कि यूरोप में क्या हो रहा है, लोग क्या गाड़ी अभी भी खरीद रहे हैं या एक बार गाड़ी को एकदम बंद करके गैरेज में रख सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम आगे और भी कंपनीज के बारे में इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, पूरे बिजनेस को समझेंगे ताकि आपको और भी अलग अलग कंपनीज का नॉलेज मिल सके और आप डिसाइड कर सके कि उनमें से फिर कौन सी बेस्ट कंपनी है जहां पैसा लगाना सही होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ इस एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम कर पाए, वो भी आपके साथ ये वीडियो को देख पाए, ताकि आप दोनों फिर मिलके कोई एक प्रॉपर डिसीजन पे आ पाए कि हाँ भाई कंपनी सही है कि नहीं है। बहुत बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ऑन द कॉफी पे जा सकते हैं, कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं कि भैया इस वीडियो में इस तरह से बताया हुआ है तो क्या करना चाहिए। तो दो जन मिलके अगर कोई डिसीजन लेंगे तो शायद और बेटर डिसीजन आप ले पाओ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।